तो मध्य प्रदेश में 7 निजी महाविद्यालय खुलेंगे। विधानसभा में उच्च शिक्षा संशोधन विधेयक पारित किया गया है। बंसल न्यूज पर उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने इस बात की जानकारी दी है। छात्रों को विषय चयन करने में अब आसानी होगी। तो मध्य प्रदेश में 7 निजी महाविद्यालय खुलेंगे, जिसके चलते छात्रों को अब विषय चयन करने में भी आसानी होगी। बंसल न्यूज पर उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने इस बात की जानकारी दी। विधानसभा में उच्च शिक्षा संशोधन विधेयक पारित किया जाएगा। तो मध्य प्रदेश में 7 निजी महाविद्यालय खोले जाएंगे। बंसल न्यूज पर उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने इस बात की जानकारी दी है। छात्रों को विषय चयन करने में भी आसानी होगी। का सत्र संपन्न हुआ है, लेकिन हायर एजुकेशन की तरफ से भी कई संशोधन विधेयक रखे गए थे। खास बात यह है कि 7 निजी यूनिवर्सिटी की बात भी कही गई थी आपने, तो क्या ये माना जाए कि हरी झंडी मिल गई? निश्चित रूप से हमारे निजी विश्वविद्यालय के 8 प्रपोजल थे, 8 एक्सेप्ट हुए। मैं उम्मीद करता हूँ कि हमारा जो बिजनेस हुआ है, जो कामकाज होना चाहिए सदन में, वो अच्छे ढंग से हुआ। मैं इसको और अच्छा मानता, कांग्रेस अगर सही से विधानसभा चलने देती तो हमने और भी कई निर्णय किए, जैसे बैतूल महाविद्यालय जो बैतूल जिले के हैं, अभी छिंदवाड़ा में जुड़े हुए थे, इस सदन के बाद वो संभवतया भोपाल से जुड़ेंगे। तो विद्यार्थियों को जो बड़ी सी सुविधा थी, जो असुविधा थी वो सुविधा में बदली है। ऐसे कई अच्छे निर्णयों की जानकारी भी आती है। संविधान की व्यवस्थाओं में हमको मालूम है कि अगर सदन चलता है तो सबसे ज़्यादा लाभ तो अपोजिशन को मिलता है, लेकिन बड़ा दुर्भाग्य से कहना पड़ता है कि कांग्रेस वो अपने चरित्र से बाज नहीं आती है, वो सदन का मौका आता है तो सदन से भागती है। ये निजी यूनिवर्सिटी की जो बात कही जा रही है, इसका क्या लाभ मिलेगा मध्य प्रदेश को? क्या ये माना जाए कि इससे बड़े लोग मैदान में आएंगे और छात्रों के हित में होगा? देखिए, कोई भी विश्वविद्यालय अगर खुलता है तो विश्वविद्यालय का लाभ तो मिलता ही मिलता है। और ये हम अभियान लगा के चल रहे हैं कि शासन ही सब कुछ कर दे, ऐसा नहीं है। शासन के अलावा भी अच्छे अच्छे ग्रुप अपने मध्य प्रदेश में आए, क्योंकि मध्य प्रदेश एक ऐसा शांति का टापू है जहाँ आंधी तूफान बाढ़ ऐसा कुछ बड़ा घटनाक्रम नहीं होता है। ऐसे में बाहर के आके लोग भी, विद्यार्थी पढ़ सकते हैं, यहाँ के लोग भी पढ़ सकते हैं। तो उम्मीद कर रहे हैं कि अच्छे वातावरण में सभी प्रकार से अच्छी संस्थाओं को प्रोत्साहन मिले। माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं, और यही कारण है कि यहाँ पर कई सारे प्रपोजल एक के बाद एक आ रहे हैं, और हम अपने गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में उन सबका भी योगदान लेना चाहते हैं। दिखने वाली है जो यूनिवर्सिटी होंगी, भोपाल भी है, जबलपुर भी है, इंदौर भी है, और जहाँ जहाँ भी अलग अलग, इसमें मुरैना, ग्वालियर भी है, शिवपुरी भी है, तो एक विभिन्न अंचलों में ये विश्वविद्यालय खुलेंगे। चलिए, एक बड़ी बात यह है कि यहाँ हायर एजुकेशन की तरफ से एक संशोधन विधेयक रखा गया था, उसमें 7 से ज़्यादा यूनिवर्सिटी है, यानी अब सरकार की जो यूनिवर्सिटी है उसके अलावा भी निजी यूनिवर्सिटियों को मौका दिया है सरकार ने, उससे नए छात्रों को मौका भी मिलेगा, और जो सर्व सुविधा युक्त बात कही जाती है शिक्षा के क्षेत्र में, व्यवसाय के क्षेत्र में, शायद उसको भी बढ़ावा मिलेगा। लेकिन ये ज़रूर है कि निजीकरण की तरफ भी सरकार बढ़ रही है। आशीष खरे के साथ मनोज सिन्हा, बंसल भोपाल।